जय हिंद दोस्तों। आज हम इसकी मदद से बनाने वाले हैं कंक्रीट वाइब्रेटर। जो हमारे जैसे छत ढाली जाती है तो कंक्रीट उस टाइम जो गीला रहता है उसमें चलाया जाता है वाइब्रेटर, हम इन्हीं वाइब्रेटर बनाने वाले हैं दोस्तों। ये हमारे पास है रबड़ और ये हमारे पास है जो पानी वाला पाइप रहता है, काफ़ी मोटा पाइप है ये। इसमें आवाज़ और वाइब्रेटर बहुत ही ज़्यादा रहेगी। और हमारे पास 775 DC मोटर है। और ये दोस्तों हमारे पास बाइक का है जो स्पीड या फिर अपने ब्रेक वाले में लगता है, लेकिन ये स्पीड वाला है जो मतलब ये चलता है तो स्पीड बताता है दोस्तों। इसमें जो रबर टाइप का लगा हुआ है इसको हम काट दे रहे हैं क्योंकि हमारे इस होल में फिक्स नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से बाहर निकल जाएगा बार बार या फिर बाद में फिसलेगा भी। तो मैंने दोस्तों उसको निकाल दिया और इसमें हम इसको ठोक करके इसको फिक्स कर देंगे, क्योंकि जो हमारा फिक्स हो जाएगा ना तो फिर काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों। हमने बनाया जुगाड़ से बनाया, हमको पहले से नहीं बना हुआ था। मेरे पास में ये जो आपको दिख रहा ना ये बना हुआ था, मैंने होल वगैरह अपने आइडिया से किए। वायर हमारा फंस चुका दोस्तों, ये जो गोल गोल ये भी हमारा फंस चुका है इसमें काफ़ी अच्छे से मजबूती से, लेकिन अभी इसमें लूजनेस है तो लूजनेस के कारण इसमें स्क्रू लगाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये स्क्रू हमारा निकल भी सकता है, इसलिए स्क्रू ना लगा के हम दूसरी चीज़ लगाएंगे। जो हमारा जो स्पेस दिख रहा है यहीं पर लगाना है दोस्तों, हमको यहाँ पर लगा देंगे तो ये हमारा टाइट हो जाएगा, जो हमारा निकलेगा नहीं और लॉक होने के बाद में हमारा काम पूरा होता रहेगा दोस्तों। इसको ना लगाना, ये देखो दोस्तों मैंने ये इस कील को लगा दिया है जो कि मुझे इसमें से मिली थी, जो क्लिप रहती है क्लिप क्लिप वाले कीलें दोस्तों। इसको लगाते हैं, काफ़ी मजबूती से फिक्स हो चुका है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों ये मेरे पास में रबड़ ये हमको इसमें लगा करके इसको बाहर में लगाएंगे। जैसे ही दोस्तों आपको पाइप दिख रहा है ना, पाइप में ये लगा देंगे तो इसकी वजह से टाइट हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं इस प्रकार से। इसको दोस्तों हमको इसमें ठोक देना है अच्छे से, काफ़ी अच्छे तरीके से, और फिक्स हो गया हो जाएगा। ये देखो दोस्तों मैंने इस प्रकार से इसको ठोक दिया है और अच्छे से फिक्स हो गया। इसमें बाद में हम इसमें सुपर ग्लू गन लगाएंगे। जो हमको वाइब्रेट वाला जो पार्ट्स दिख रहा है आगे का, हम इसका थोड़ा इसको घुमाने पे देखिए कैसे ये वाइब्रेट करेगा, घूमेगा। जब इस प्रकार घूमेगा ना, काफ़ी बड़ा भी है आगे में, लूजनेस भी है, ये लूज रहेगा ना काफ़ी, तब इधर उधर लगेगा जिसके कारण इसमें वाइब्रेट बनेगा। दोस्तों हमारे काफ़ी अच्छे से मैंने इसको ट्राई करके देख लिया कि हाँ ये हमारा फंस नहीं रहा किसी भी कहीं भी पाइप में। दोस्तों ये जो है हमारा रबर, इसको हम थोड़ा सा आगे साइड में लगाएंगे। अभी काफ़ी बड़ा पड़ रहा है, अभी बड़ा पड़ने के साथ में इसको हम थोड़ा सा काट देते हैं बीच में जो निकाल देंगे ना तो काफ़ी आसानी हो जाएगा इसको, इस प्रकार से इसमें लगा देंगे काट के। दोस्तों अगर हम इसको घिस के लगाएंगे तो हमको काफ़ी ज़्यादा घिसना पड़ेगा, काफ़ी टाइम तक घिसना पड़ेगा। दोस्तों मैंने काट दिया, ये देखो छोटा हो गया, अब छोटा हो गया, ये काफ़ी आसानी से इसमें लग जाएगा। अब किसी चीज़ से हम इसको ठोकेंगे तो ये आराम से लग जाएगा, इसमें फिक्स हो जाएगा। ये देखो दोस्तों मैंने इसको ठोक के आराम से फिक्स कर दिया है और अच्छे से लग चुका है दोस्तों ये। अभी हमारा समझो वाइब्रेट वाला बन चुका है, काफ़ी कम कॉस्ट में बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमको इसमें से कोई भी चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ी, कोई भी चीज़ें सभी हमारे घर में ही थी तो मैंने उसमें से बना लिया। मैंने इसको देखा इसमें मुझे आइडिया कि काफ़ी अच्छी काफ़ी इजीली बन जाएगा। तो दोस्तों कोई टाइम मैंने वाइब्रेटर चलाया था, वाइब्रेटर कंक्रीट वाला, मुझे आइडिया आया उसी चीज़ से कि हाँ ये बन जाएगा इसमें से। दोस्तों हम इसको इसमें फ़िक्स कर दे रहे हैं, लेकिन इसमें वाशर लगा देंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जिससे कि वाशर लगा देंगे तो हमारा फिक्स रहेगा, अंदर का भी बाहर नहीं निकलेगा और चिपका रहेगा। दोस्तों इसमें इसको लगाने के बाद में हम इसमें लगाएंगे इसमें ग्लू गन। तो दोस्तों इसमें मेरा जो वाइसर है ना काफ़ी अच्छे से इसमें फिक्स हो जा रहा है, वो वाला जो छोटा पड़ गया था मैंने बड़ा वाला ढूंढ के निकाल लिया दोस्तों। मैं इसको इसमें फिक्स कर देना, तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। मैं इसको ग्लू गन से इस प्रकार से चिपका दूँ। दोस्तों मैंने ग्लू गन से चिपकाया, काफ़ी हार्ड तरीके से चिपक चुका है दोस्तों, और बहुत अच्छी मजबूती से चिपक गया। हमको दोनों साइड में इसी से चिपका देना है, इधर भी चिपका देना। इधर में चिपकाने से पहले हमको स्क्रू कस देना है, जिससे कि ना जो हमारा पाइप है ना ये आगे पीछे नहीं जाएगा, एक ही जगह में रुक जाएगा। और जो जैसे हमारा ग्लू गन रहता है वो बाई चांस कभी टूट गया या कुछ हो गया तो आगे पीछे भाग जाता है। दोस्तों मैंने दोनों साइड में एक साइड में एक कील ठोक दिए और एक साइड में स्क्रू लगा दिया। अब इसको हम इसमें से चिपका देंगे तो इससे हमारा काफ़ी मजबूती बन जाएगा, जो कि वाइब्रेट होने के कारण इधर उधर नहीं होगा। दोस्तों ये हमारा रेडी हो चुका है बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में। ये दोस्तों पीछे में है जो ये हमारा ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन के जो चक में काफ़ी इजीली हमारा फिक्स हो जाएगा। हम इसको कस देंगे और फिक्स होने के बाद में दोस्तों ये हमारा चलना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको फिक्स करके इसमें देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको चला के हम देखेंगे कि हमारा वाइब्रेटर काम कर रहा है सक्सेस है कि नहीं है। इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा और हमको भी पता चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये इसमें चांस पूरा है कि सक्सेस ही रहेगा, इसमें ना सक्सेस होने का कोई भी चांस नहीं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अच्छा आइडिया है, काफ़ी छोटा और काफ़ी अच्छे इजीली आइडिया है दोस्तों, काफ़ी आसानी से बन भी गया है,
काफ़ी कम चीज़ों में आपने जैसा देखा कि इसमें कोई भी चीज़ें हमको बाहर की खरीदनी नहीं पड़ी है, सब हमारी चीज़ें थी। ये हमारा ड्रिल मशीन दोस्तों, ये मैंने घर पे बनाया था, काफ़ी पावरफुल ड्रिल मशीन है, हर जगह होल हो जाता है जिसमें दोस्तों। इसमें आप कहीं भी, इसमें मेरा वीडियो पड़ा होगा आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसमें फिक्स कर लिया है। और इसमें हमारे पास अभी कोई कंक्रीट का तो व्यवस्था है नहीं दोस्तों, जैसे कि हम इसमें ट्राई करेंगे दोस्तों, हम इसमें पानी में डाल के इसको ट्राई करने वाले हैं। एक तरह का था, उसमें पानी में डाल के ट्राई करेंगे दोस्तों। आप इसका साउंड देखना कितना ज़्यादा साउंड है। तो दोस्तों देखा आपने इसमें कितना पावरफुल साउंड है, कितना अच्छा वाइब्रेट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने से आप नाराज़ मत होना दोस्तों, अगर आपकी इच्छा तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, इसका आपके कोई भी प्रेशर नहीं।